सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की फिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। हम करते हैं शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल के साथ, जहां पे सवाल ये था कि भैया क्या आपको लगता है कि शाओमी ऑनेस्ट है या नहीं। आप इसे 84% ने बोला है कि नहीं भाई, बिल्कुल भी हमको ऐसा नहीं लगता कि शाओमी ऑनेस्ट है। 16% ने बोला है कि नहीं, शाओमी तो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। फिर देखते हैं यार कि आगे क्या निकलता है ईडी वाला पूरा सीन। लेकिन आज दोस्तों मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि यार गूगल को इंडिया में अपने पिक्सल स्मार्टफोन्स जो है उनको लॉन्च करना चाहिए। बताना यार क्या आपका जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। इसमें बात करते हैं सबसे पहले भैया चिप शॉर्टेज और कोविड वगैरह इन सब चीजों को लेके, जहां पे बोला है एप्पल के सीईओ मिस्टर टिम कुक ने कि इससे इम्पैक्ट जो है एप्पल का वो मतलब एप्पल पे जो हुआ है वो करीब अप टू $8 billion का हुआ है। यार बहुत एक बड़ा नंबर निकल के आता है। दुनिया भर में क्या देखो बहुत प्रॉब्लम्स तो हुई हैं और यहाँ पे ये बोलते हैं कि बेसिकली $8 billion का बहुत बड़ा है यार, नेगेटिव निकल के आता है हमारे पास। दोस्तों फिलहाल अभी इंडिया में JBL Tune 130 और JBL Tune 230 आ गए हैं। यहाँ पर दोस्तों TWS है नॉइस कैंसिलेशन के साथ में और जो बैटरी है वो अप टू 40 hours की है। स्टार्टिंग जो प्राइस है वो है इनकी 4999, तो बेसिकली 4999 और 5999 दोस्तों दो अलग अलग प्राइस ब्रैकेट्स में आते हैं। JBL वैसे बैदर आपको पता हो तो हारमन ओंडे और हारमन जो है उसका मालिक है सैमसंग, तो टेक्निकली ये सैमसंग वाले नए TWS है, मतलब पेरेंट कंपनी सैमसंग है बेसिकली हमारे पास में। फिलहाल दोस्तों यात्रा जो है yatra.com आप दोस्तों जो टिकट्स वगैरह लेते होंगे तो वो भी एक नया फीचर लेके आ गए हैं, जहाँ पे अभी ये एस्टिमेट करने वाले हैं कार्बन एमिशंस फ्लाइट्स के लिए। तो आप अगर बहुत ऐसा सोचते हैं और सोचना ही चाहिए बहुत भी क्या मतलब ज़रूर हमको सोचना चाहिए एनवायरनमेंट के बारे में, तो मतलब आप चूज़ कर सकते हैं भैया कौन सी फ्लाइट से आप जाएँ तो थोड़ा सा जो आपका पूरा ये कार्बन एमिशंस वगैरह हैं वो थोड़े से कम होंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में अभी ओप्पो रेनो 8 जो है वो इंडिया में जून के एंड तक बोलते हैं आने वाला है और काफ़ी तक डिज़ाइन जो है बोलते हैं 1+10 जैसा हो सकता है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 के साथ में आएगा, देखते हैं बाकी और क्या होती है कहानी इसी ओप्पो के रेनो 8 स्मार्टफोन की। यहाँ पे यार फिलहाल अभी गूगल ट्रैवल और फ्लाइट्स का जो टूल है दोस्तों वो भी एक नए सेट ऑफ पूरा का पूरा ट्रिप प्लानिंग फीचर्स लेके आ गया है, जहाँ पे अभी के लिए प्राइस ट्रैकिंग वगैरह को आप अच्छे से जो है वो अपना एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मतलब आपको और बेहतर डील्स अगर ग्रैब करनी है तो गूगल फ्लाइट्स पे इन चीज़ों का आप फायदा अभी उठा पाएंगे। वैसे स्काई स्कैनर वगैरह यूज़ किया करो अगर डोमेस्टिक वगैरह ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल बेसिकली, तो मतलब कई बार सही सही डील्स मिल जाती हैं हमारे पास में। अभी गूगल जो है वो रोल आउट कर रहा है मई 2022 का अपडेट पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो के लिए। वीक वाइब्रेशंस थे भैया नोटिफिकेशन को लेकर, तो वो भी थोड़े से मजबूत होने वाले हैं, मतलब फोन ऐसे घूम पूरा मतलब अच्छे से वाइब्रेट कर लेगा। मतलब पिक्सल में जाते तो क्या ही बोलूँ अपडेट्स को लेकर, मतलब पूरा ऐसा अजीब सा सीन हो गया जब से फोन लॉन्च हुए हैं हमारे पास में। अभी यहाँ पे टेस्ला जो है उसने भैया 14,600 कार्स को चाइना में रिकॉल किया है, मॉडल 3 गाड़ियाँ थी सॉफ्टवेयर फॉल्ट के चलते। तो ये टेस्ला बीच बीच में करता भी रहता है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये है कि ध्यान भी बहुत ज़्यादा देता है गाड़ियों पर। इंडिया में भी अगर ये बाकी ब्रांड्स जितने भी इलेक्ट्रिक वाले अगर ध्यान देना स्टार्ट कर दें तो शायद थोड़े हादसे होने से बच जाएंगे हमारे पास में। सीधा अभी यहाँ पे इलॉन मस्क को भैया खबर निकल के आती है, जहाँ पे ये और फाइनेंसिंग देख रहे हैं फिलहाल के लिए ट्विटर डील जो भी की है उसको लेके। तो अभी ऐसे में देखते हैं कि कौन कहाँ भैया कितना पैसा डालता है, जहाँ पे जो $44 billion का पूरा हुआ है सौदा वो पूरा कर पाए फिर इलॉन मस्क ट्विटर को खरीदने का। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में अभी OnePlus Nord 3 जो है वो स्पॉट कर लिया गया है कंपनी की वेबसाइट पे, लगता है कि बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है। मतलब OnePlus Nord 2 सीरीज के अंदर Nord 2, 2T, CE 2 मतलब सब कुछ हम देख चुके हैं, अभी बारी है OnePlus Nord 3 की। देखते हैं ये फ़ोन क्या स्पेक्स लेके आता है किस प्राइस के साथ में। हमारे पास में अभी एप्पल जो है ये दोस्तों अगले साल से सेल्फ डेवलप्ड 5G मॉडेम काम में लेगा अपने iPhones में, मतलब वो इंटेल क्वालकॉम ये वो मतलब एप्पल का खुद का अपना 5G मॉडेम एप्पल लगाने वाला है आईफोन्स में। तो कीमतें तो शायद थोड़ी कम होंगी या ज़्यादा ना बढ़ें और स्पीड शायद ज़्यादा तेज़ बढ़ सकती है और बैटरी कंजप्शन जो है 5G का वो भी शायद थोड़ा कम हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों अभी वैसे शाओमी जो है इसने अनवील कर दिया है लेदर स्मार्ट इलेक्ट्रिक बेड। ये इलेक्ट्रिक बेड है तरह तरह के दोस्तों, आपके सोने की जो पोजीशन है उनको आप एंजॉय कर सकते हैं इस बेड में, जो शेप वे वो भैया बदलती रहती है। तो वैसे नींद कहाँ रही है शाओमी को, नींद तोड़ी हुई है शाओमी की, जो ईडी ने भैया सीज किया है 5551 करोड़ रुपए।
लेकिन फिलहाल के लिए बेड लॉन्च कर दिया है। अगर आपको सोने में ऐसे राइट लेफ्ट करके पोजीशंस को एंजॉय करना होता है, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में अभी सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स 2 जो हैं वो आ गए हैं ऑल ब्लैक कलर में। तो ऐसे में अगर आपको नो ये ऐसा एकदम मैट ब्लैक टाइप का या बेसिकली मतलब इन जनरल आपको ब्लैक पसंद है तो आपके लिए बर्ड्स 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में अभी साइंटिस्ट ने भैया एक ऐसा सॉफ्ट रोबोटिक वियरेबल को भैया बुना है, मतलब यू नो ऐसा फैब्रिकेशन और काफ़ी ईजी इसका डिज़ाइन है, मतलब वियरेबल है लेकिन ऐसा नरम नरम है वो, ऐसा हार्ड वो नहीं है और आपको ऐसे ग्रिप व्रिप काफ़ी अच्छे से दे सकता है और सर्दियों के दिन शायद अच्छे से काम कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों अभी मोटरोला जो है वो मोटो G82 की स्पेक्स और इमेजेस हमारे लिए सामने कहीं ना कहीं से निकल गई है, मोटोला की तरफ से तो कराई नहीं है लेकिन लीक हो गई है। तो यहाँ पे अब ये G82 आने वाला है, मतलब मोटोला एक चीज़ में नोटिस की है कि काफ़ी सारे फ़ोन्स एक के बाद एक लेके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है वो अच्छे से फ़ोन्स परफॉर्म भी कर रहे हैं। देखते हैं इवेंचुअली कि ये फ़ोन कब आता है और इसमें बाकी स्पेक्स क्या होती है। थोड़ा सा एक मिड रेंज फ़ोन रहेगा लेकिन स्टिल प्लास्टिक ओलेड स्क्रीन के साथ में। अगला उस अपडेट निकल के आता है BGMI लाइट को लेके, और अगर उसको मानते हैं रिपोर्ट्स की तो BGMI बहुत जल्दी लेके आ सकता है कभी भी BGMI लाइट। और यहाँ पर दोस्तों BGMI लाइट जो है वो शायद और ज़्यादा लोगों तक मतलब यू नो पहुँच पाएगा, मतलब अभी भी काफ़ी लोग हैं जो BGMI खेल नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, वो शायद BGMI लाइट के साथ में पूरा मजा उठा पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास में अगला अपडेट निकल के आता है, हमारे मिनिस्टर जो है दोस्तों मिस्टर नितिन गडकरी वो प्रॉमिस कर रहे हैं टेस्ला के लिए बेनिफिट्स अगर वो इंडिया में अपनी फैक्ट्री शुरू करता है। तो देखते हैं टेस्ला अपनी फैक्ट्री इंडिया में कब तक लगा पाता है और ऑफिशियली इंडिया में हम कब देखते हैं टेस्ला को आते हुए, बिकॉज अगर आएगा और अच्छी कीमतों पे आएगा तो इंडिया के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे हमारे पास में अभी व्हाट्सएप का अपडेट जो है वो आने वाला है, जहाँ पे स्टेटस अपडेट्स जो है भैया वो चैट्स लिस्ट में ही आपको दिखने वाले हैं, मतलब काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। देखते हैं व्हाट्सएप मतलब क्या प्लान कर रहा है इस अपडेट के साथ में। दोस्तों हमारे पास में अभी TVS ने लॉन्च कर दिया है नया N-Torq 125XT, और यहाँ पर दोस्तों भैया इसके अंदर नया कलर, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नए फीचर्स, मतलब बहुत सारी, ऑल्दो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, ये नॉर्मल दोस्तों 750 का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, लेकिन ये एक नया टाइप का स्कूटर स्कूटी कुछ भी आप इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं वैसे, स्कूटर बोलते हैं स्कूटी बोलते हैं, मतलब स्कूटी बोलते हैं दिखने में। तो ये वैसे स्कूटर तो स्कूटी थोड़ी छोटी, स्कूटर थोड़ा बड़ा, मतलब तो ये लॉन्च कर दिया इंडिया में N-Torq 125XT। वैसे आप बताओ कि अभी आप कुछ अगर नया लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो क्या वो EV है या नॉर्मल पेट्रोल इंजन वाला कोई भी यू नो स्कूटर या स्कूटी। दोस्तों बस फटाफट में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फटाफट में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।